महाराष्ट्र की सत्ता बदलने में गुवाहाटी का एक बड़ा रोल रहा है। एकनाथ शिंदे की जो सरकार अब महाराष्ट्र में बनी है, उसकी कहीं ना कहीं रणनीति गुवाहाटी में तैयार हुई थी। गुवाहाटी में शिंदे गए थे अपने तमाम विधायकों के साथ जो उनके समर्थक थे, और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ सबने देखा। एक बार फिर से एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने तमाम विधायक, मंत्री, सांसदों को लेकर गुवाहाटी पहुंचे मां कामाख्या के दरबार में। लेकिन इस बीच उनके 4 मंत्री और 2 विधायक उनके साथ गुवाहाटी नहीं आए। क्या वो नाराज हैं या फिर इसकी कोई अलग वजह है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री के गुवाहाटी पहुंचने पर उनका और उनके साथ गए सभी लोगों का भव्य स्वागत हुआ। हालांकि इस दौरे में मंत्री गुलाबराव पाटिल, मंत्री शंभुराज देसाई, मंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री तानाजी सावंत, विधायक चंद्रकांत पाटिल और महेश शिंदे गायब रहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी न जाने पर चारों मंत्री और दोनों विधायकों ने अपनी सफाई पेश की है। विधायक चंद्रकांत पाटिल ने कहा है, मेरी इच्छा थी कि गुवाहाटी जाकर मां कामाख्या देवी के दर्शन करूं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कई शादी के कार्यक्रम थे जहां मेरी उपस्थिति होना बेहद जरूरी थी, इस वजह से मैं गुवाहाटी नहीं जा पाया। जबकि मंत्री गुलाबराव पाटिल ने बताया कि मेरे इलाके में स्थानीय चुनाव होने हैं, इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी बताया। साथियों ने विनती कर गुवाहाटी आ पाने में अपनी असमर्थता जताई थी। मंत्री अब्दुल सत्तार ने बताया कि नासिक जिले में उनके पहले से कार्यक्रम तय थे जहां मेरी मौजूदगी जरूरी थी, मैंने ये बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताई थी। अब एक तरफ जहां शिंदे गुट के विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे के गुवाहाटी दौरे पर तंज कसा गया है। ठाकरे गुट की तरफ से ये सवाल किया गया है कि क्या महाराष्ट्र में भगवान की कमी है जो मुख्यमंत्री गुवाहाटी के दौरे पर गए। ये सवाल सांसद संजय राउत ने किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ विशेष चार्टर प्लेन से उनके विधायक, सांसद और मंत्रियों के परिजन समेत 180 लोग गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गए। अब मुख्यमंत्री के दौरे पर समाज सेविका अंजलि दमानिया ने यह सवाल उठाया। दमानिया ने ट्वीट करते हुए यह सवाल किया है कि मुख्यमंत्री चार्टर प्लेन से अपने सहयोगियों के साथ गुवाहाटी गए, वहां वो 5-सितारा होटल रेडिसन ब्लू में सभी सहयोगियों के साथ ठहरे हुए हैं। इस पूरे दौरे पर खर्च होने वाली रकम आखिर कहां से आई? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।